वही स्वास्थ्य मंत्री के संभावित दौरे से पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एमडी डॉक्टर जगदीश सोनकर गरियाबंद के सुपेबेड़ा पहुंचे। जगदीश सोनकर 17 लोगों की टीम के साथ सुपेबेड़ा पहुंचे थे। इस दौरान कलेक्टर दीपक अग्रवाल भी मौजूद रहे। डॉक्टर जगदीश ने कहा कि राज्य स्तर पर बनी कमेटी नए सिरे से पड़ताल कर रही है ताकि पीड़ित को राहत दे सके और बीमारी का पता लगाकर इसका बेहतर निराकरण कर सके। यहाँ की हालत पर सरकार से चर्चा कर उसके निदान के लिए बेहतर कार्य की योजना बनाई जाएगी। बता दें कि अब तक सुपेबेड़ा में 140 किडनी मरीजों की मौत हो चुकी है। मुख्य रूप से आज हमारी टीम जो है ये सुपेबेड़ा के विजिट पे आई हुई थी। सुपेबेड़ा में किडनी से ग्रसित मरीजों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में है, तो इसको लेकर वहाँ किडनी की बीमारियों से संबंधित समस्याएं क्यों हैं, इसको लेकर राज्य शासन ने एक कमेटी का गठन किया था और मिशन डायरेक्टर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को उसका अध्यक्ष बनाया गया, जो कि मैं हूँ। तो उस उद्देश्य से मैं यहाँ पर अपनी टीम के साथ विजिट के लिए आया हुआ था और सुपेबेड़ा की जो समस्याएं हैं कि किडनी की बीमारियाँ क्यों हो रही हैं या उसके रोकथाम के उपाय क्या हैं या उसके संदर्भ में राज्य शासन को क्या करना चाहिए, उसके संदर्भ में हम स्टडी कर रहे हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के भी विजिट पर आए थे। तो क्या कारण है और क्या उसके लिए हम कर सकते हैं, तो उन चीज़ों पर हम आगे कमेटी की रिपोर्ट सौंपेंगे राज्य शासन को और प्रयास करेंगे। हमने वहाँ पर कुछ पेशेंट्स को देखा, उनसे बात की, साथ ही उनके परिवारजनों से बात की, तो जो बीमारी है और बीमारी से संबंधित अन्य जो परिवारों की समस्याएं हैं उनके संदर्भ में हम राज्य शासन की तरफ से क्या प्रयास हो सकते हैं उन प्रयासों को जरूर करेंगे।